प्रज्ञानमंशो प्रकानि स्थिरचरिकर व्याप्तिभिर्वत्य लोकान् भुक्त्वा भुवादस्तदिष्ठान् पुनरपि ईशो विभाषितान् कामिनां कृत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभू मायाया भोजयन्नो माया सङ्ख्याकुलीयं करुणामृतमयं ब्रह्मरत्नं नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के अद्वैत नामक तृतीय प्रकरण पर विचार चल रहा है। अभी हम लोग श्रुति वाक्यों की समन्वय कैसे किया जाए, श्रुति वाक्यों के तात्पर्य कैसे निकाले, उसको लेकर जो ग्रंथ का दिखा है कि जगत पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, कि श्रुति ऐसा कहती है। क्या कहती है श्रुति? चय शनि ने भी हमने पहला पूछा बोलता था शंकुटेरपवादाच संभव प्रतिषिद्धते, है ना, जो सृष्टि का सबसे पहला जीव है ऐसा मान्यता है, उसकी उपासना का भी श्रुति ने निश्चित अथवा निंदा कर दिया। ये अपने आप जो है कौन इनम जने ऐसा करते, मतलब इसके उत्पन्न करने के लिए इसका कोई कारण ही नहीं है, उत्पत्ति करने वाले के कारण भी नहीं है, उसके मतलब जो जिसके लिए उत्पत्ति दिखाया जा रहा है उसकी निंदा। और फिर बाद में जब आपको समझ में आ जाता है तो आपने अभी पता लगता है तीनों काल में जो वस्तु मुझे दिखाई दे रहा था पारमार्थिक वहाँ पहले जिस समय मुझे दिखाई दे रहा था उस समय भी वहाँ वो नहीं था, वो वस्तु वहाँ पर विद्यमान नहीं थी। इसलिए हम ये जो है ये जगत थोड़ा प्रातिभाषिक है, जब तक अज्ञान है तब तक प्रतीति होते रहते हैं, अज्ञान मिलते ही अधिष्ठान तक तक ज्ञान हो जाए, फिर जागृत जगत प्रतीति रहने पर भी वह सत्य प्रारब्ध तक प्रतीति रहती है, परंतु सत्य तक नहीं है। इस पर 25 तक का हमने पढ़ लिए थे, इसका अंतिम टीका के दो पंक्ति पढ़ तो लिए थे हमने, फिर भी हम थोड़ा सा एक बार देखो यहाँ पे बोलते हैं क्या होता है। 7 नंबर टिप्पणी को हमने नहीं पढ़ा, उक्तम अर्थम दृष्टांति का स्पष्ट है यदि 198 टीका में उक्तम अर्थम दृष्टांत स्पष्ट मिला तो वहाँ पे देखिए 7 नंबर टिप्पणी उक्तम अर्थम मतलब प्रयोजक अभावी प्रयोज्य अभाव रूपम अर्थम, प्रयोजक हो गया कारण और प्रयोज्य हो गया कार्य, जब कारण नहीं है तो कार्य नहीं है, हाँ अज्ञान थी तो पिछले कार्य कई प्रबंध दिखाई दे रहा था, अज्ञान नाश हो गया तो कार्य प्रबंध नहीं दिखाई देता है। इस पर इस अर्थ को मतलब माया के कारण दिखाई देते हैं, माया नाश हो गया तो कई प्रबंध नहीं दिखाई देता, इसी को स्पष्ट करके हम बोल रहे हैं यही रज्जा अविद्या आरोपितम सर्पम पुनर् विवेक नष्ट जनये कश्चित, एक बार विवेक पूर्वक यदि सर्प के नाश हो गया मतलब इसको देख लिया अधिष्ठान तत्व को, फिर उसके ऊपर सर्प उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कोई नियुक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि प्रयोजन के अभावित प्रयोजन के अभावित प्रयोज्य अभाव अब क्या नाश हो गया, कारण नहीं है इसलिए कार्य भी नहीं दिखाई देगा, यह अभिप्राय। फिर आगे बोलते हैं न कश्चित टीका न कश्चित एनम जनय यदि कारणम प्रविषिद्ध यदि संबंध मतलब इसको कोई उत्पत्ति नहीं कर सकता, कारण को निषेध किया जाता है। प्रश्नार्थ किम शब्द दृश्यमान है कथम कारण प्रविषिद्ध, ये क्यों पैदा नहीं हुआ, ये आप जब प्रश्नार्थ में किम शब्द आता है तो कथम कारण प्रतिषेध सिद्धि, इससे कारण को इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, ये कैसे सिद्ध होगा, ऐसा आशंका होता है। तो कहते हैं कि कौन एलम है कौन विधि आक्षेप कारण प्रति आक्षेप है, कैसे इसका उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि तो जाते है वो न जाए थे ऐसा श्रुति को पाया हुआ है। 6 नंबर के पढ़े टिप्पणी कर बताए यहाँ के जाते व न जाए थे कौन एलम जाने पुनः विज्ञान आनंद ब्रह्म राति रातु परायणम इष्ट मानस तद, है ना, इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति बीच भाव में चल रहता है उसका तो सारा ऐश्वर्य व्यापकता पूर्णता ऐश्वर्य पूर्ण प्राप्त हो जाता है।
अच्छा, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि अक्षरार्थ मुक्ता दिव्यार्थम तात्पर्य मात्र, अक्षर के अर्थ को मैं कर रहा था, श्लोक में आए हुए पद के अर्थ को हम जने, है ना, इसी कारण प्रतिषिध करते कारण पर मतलब निषेध किया जाता है, श्लोक का खंड बोलते हैं। अभी फिर अर्थ क्या है तो उसको बोलते हैं अक्षरार्थ मुक्ता दिव्यार्थम तात्पर्य महान, अविद्या उद्भूतस्य नष्टस्य जनयति कर्म न किंचित अस्ति, अविद्या से जो वस्तु दिखाई दे रहा है अविद्या नाश हो जाने पर उस वस्तु को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, अविद्या से जो वस्तु दिखाई दे रहा था वो वस्तु ज्ञान उत्पन्न होने पर नाश हो जाने के कारण उसको दोबारा कोई नहीं उत्पन्न कर सकता, जो अविद्या उद्भूतस्य नष्टस्य, अविद्या से उद्भूत होता जो वस्तु ज्ञान के पर नष्ट हो जाने पर जनयित्री कारण अब न किंचित अस्ति, उसको दोबारा उत्पन्न करने के लिए कोई कारण ही नहीं हो सकता। कल जो है हम लोग यहाँ पे जो आठ नंबर टिप्पणी उत्पत्ति होते हैं उसका जनित कारण नहीं है, क्योंकि अभुत्पन्न करने का भी कारण है, क्योंकि व्याघात ऐसा शब्द करने का बोलते नहीं नहीं, ये जीव तो आपको अज्ञान के कारण प्रकृति हो रहा है, अज्ञान नाश हो गया फिर जीवन चली गया, जीवन तो नामक कोई वस्तु नहीं ले जाता, वहाँ पे जो है नष्ट इति। हाँ तो आठ नंबर की टिप्पणी में देखिए बोलते हैं तथा च नाश अनंतरम नास्ति कारणम अविद्या, है ना, नाश के बाद ज्ञान नाश हो जाने के बाद जो शांति के कारण जिस कारण से दैत्य दिखाई दे रहा था वो कारण अविद्या भी नाश हो जाने के कारण ज्ञान है ना अविद्या अविनाशात, ज्ञान से अविद्या का भी नाश हो जाने के कारण पहला ही दूसरा बात क्या, अविद्या दोबारा उत्पन्न हो जाएगा नहीं होगा, क्यों अविद्या अनादि है, उत्पन्न होगा तो शादी हो जाएगा, उत्पत्ति सृष्टि कहाँ से होगी, वहाँ पे अभ्युगमाच्य पुनरुत्पत्ति असंभव, दोबारा उसको उत्पत्ति होना संभव नहीं होने वाला, अविद्या अवस्थायां वा आविद्या को जन्म निषेध कर, अविद्या अवस्था में अविद्या संबंधित जन्म होते हुए भी न अद्वैत क्षति समय अद्वैत क्षेत्र तक कोई हानि नहीं होती, क्यों अविद्या है वो अज्ञान से प्रतीति हो रहा है पारमार्थिक नहीं है, इसलिए हमारा अद्वैत सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत पारमार्थिक है, हम व्यवहारिक भेद को हम निषेध नहीं करते हैं, इसलिए व्यवहारिक सत्ता के साथ पारमार्थिक सत्ता का कोई विरोध नहीं होता, है ना, इसलिए जो है हमारे चेतना तो कोई हानि भी नहीं है, परमार्थ और अपरमार्थ और अविरोधा परमार्थ और अपरमार्थ, मतलब है कि पारमार्थिक सत्ता के प्रातिभाषिक सत्य दोनों में विरोध होता ही नहीं है कभी, होता ही नहीं है कभी, यदि भाव ही इसका अंतर था, इसलिए बोलता है जीवस्य जनयित्री कारण अभावी प्रमाणम, जीव को उत्पत्ति करने के पीछे कारण के अभाव के विषय में एक श्रुति प्रमाण भी दे रहे हैं, न जायते मेयते व कदाचित अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित है, ये प्रथम पुरुषार्थ श्लोक है, ये जो उत्पत्ति नहीं होता नाश भी नहीं होता ना किसी के उसके न कुतश्चित एवं बभूव न कश्चित, मतलब कहीं से भी नहीं आया कोई भी इसको उत्पन्न भी नहीं कर सकता, इस प्रकार से इस होने के कारण अब ठीक है अंतिम कहते तस्या अविद्या अंतरेण शतो जन्म अभाव शुरू दे रहती, जीव की अविद्या के बिना अपने आप में जन्म होना संभव नहीं है, जन्म का अभाव इसको सूचित करने के लिए क्या होता है न बहु व कश्य कोई भी जीव किसी भी समय कभी भी नहीं हुआ, बहु का कौन सा लगा है लिंग का हिस्टोरिकल पास्ट, मतलब कभी भी जीव को उत्पत्ति हुई कभी भी, मतलब यहाँ तक बहस करने के बाद आप देखिए बोल सकते हैं आज जो होगा 26 इतोपि द्वैतम वस्तु न भवति, इस कारण से भी द्वैत भेद पारमार्थिक नहीं होता, इस कारण से भी भेद पारमार्थिक नहीं है, इतोपि द्वैतम वस्तु मतलब भेद रखो तो भेदात्मक जो वस्तु दिखाई पड़ता है वो होना संभव नहीं है न भवति, इसके लिए अगला श्लोक सहिष्णुति नेति सहिष्णुति नेति व्याख्यातम निहुते जतः
हेरुनाजं प्रकाशते सहेशानिति नेति व्याख्यातं निर्नुतेयः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते। मूर्त ब्रह्म है ना, देवावो ब्रह्मण रूपे मूर्त अमूर्त मर्त अमृत स्थित सच्च त्यक्ष। इस प्रकार वहाँ पे मूर्त अमूर्त को दो भाग में विभाजन किया, आकाश और वायु उसको बोलते हैं अमूर्त, और जो है अग्नि जल और पृथ्वी हो गया मूर्त। आपको दिखाई अगला कारण और कार्य भाग, और इसको चार मूर्तम च अमूर्तम च, उसको क्या बोलते हैं मर्तम च अमृतम च। एक मरण चित्त वस्तु दिखाई पड़ता है और एक अमृत है, तीन दिन लंबा समय लगता है। स्थितम च जत च स्थावर और जंगम, सृष्टि क्या देते हुए स्थितम मतलब स्थावर है, जत च मतलब जंगम, और सच त्यत च सत मतलब जो स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है तब तो स्थूल रूप में नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार से जितना भी सृष्टि हमें देखा देवा वो ब्रह्म रूपे ब्रह्म का दो प्रकार के रूप दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद जो है किसी को आपके यहाँ सूत्र जाकर बोलते ब्रह्म को समझाने के लिए पहले पति क्या है अजा शब्द ब्रह्म में ब्रह्म ने ब्रवाणी दी उसी का पति का यहाँ पे पुष्ट हो रहता है। बोलते हैं आप इसको समझने के लिए क्या करते हैं जो भी उनके ऊपर जितने प्रकार से व्याख्यान दिए थे सबका सूत्र निषेध करते थे तो अधिष्ठान तत्व शुरू होते हैं। इसके बोलते हैं स एश नेति नेति, तो ये बात जो है आपका ये हमारा साकल का जाकर मतलब संकल्प है सहेश नेति नेति आत्मा भीयो नहीं भीयत और शीरियो नहीं शीरियत अव्यत और नहीं व्यत थे चार बार आया ये बात यहाँ पे उच्च ब्राह्मण में और ज्योति ब्राह्मण में और अंतिम में जहाँ पे शरीर ब्राह्मण का समाप्ति कर वहाँ भी ऐसे इसको पूरा सहेश नेति आत्मा निश्चित मुख से जाना जाता है। अब प्रिय नहीं प्रिय थे मतलब वो इंद्रिय के ग्रहण योग्य नहीं है इसलिए उसको किसी को ग्रहण नहीं कर सकता विषय रूप में नहीं ग्रहण कर सकता। अशीर्य वो कभी जीर्ण नहीं होता अशीर्य के वो कभी जीर्ण नहीं होता क्योंकि उसका अंदर धर्म ही नहीं है। अव्यथ वो व्यथित नहीं होता क्योंकि सदानंद रूप इस प्रकार से वहाँ पे व्याख्यान आएगा। तो बोलते हैं स एश नेति नेति इति मतलब वही ये आत्मा जो है ना स एश आत्मा निषेध मुख से समझा जा सकता है नेति नेति इति ये नहीं है ये नहीं है इधम करके जो बोलते हैं इदम न इति न इदम न इति इस प्रकार से व्याख्यातम निन्दते यत क्योंकि जितने प्रकार से आत्मा का व्याख्या किया गया सभी को निषेध कर दिया सूत्र आत्मा को व्याख्यान करने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है उपाय को अपनाया गया है सभी उपाय को निषेध कर दिया गया सूत्र व्याख्यातम निन्दते यत व्याख्यातम के ऊपर एक टिप्पणी लिखी पड़ रहा है आपके पुस्तक में व्याख्यातम इति मूर्तामूर्त ब्राह्मणे प्रतिपादितम मूर्त अमूर्त आदि प्रपंच रूप निर्यात सूर्य सूक्ष्म जितना भी प्रपंच को दिखाई पड़ता है उसने दिखाई पड़ता है सारा प्रपंच को निषेध करके सूर्य आत्मा तत्व को प्रतिपादन करती है। इसलिए वो जो है सर्व अग्राह्य भावना सर्व अग्राह्य भावना हेतु जितना ग्रहण करने योग्य वस्तु है जितना ग्रहण करने जो को वस्तु है उसको निषेध करते हुए उसको दिखा करते हुए उसका प्रतिपादन करते हैं। देखो इसीलिए हमारे केन उपनिषद में क्या क्या अन्न देवत अविदिता रथ अविदिता अभी केन उपनिषद की बात है इसका अर्थ क्या है अन्न देवत अविदिता रथ अविदिता अभी मतलब क्या हो गया विदित मतलब क्या है विदित वेद धातु से जाने हुए वस्तु वो जो जिस तत्व के बारे में तुमने पूछा ना वो तत्व जितना जाने हुए वस्तु है उससे भिन्न है जितने प्रकार के वस्तु को संसार में जाना जाता है वो उससे भिन्न है। गुरु जी तत्व नहीं जाना जाएगा ऐसा लगता है जानने का जो कोई नहीं जाएगा तो श्रुति क्यों बोलती है आत्मा बारे दृष्टव्य सौतव्य मंतव्य निर्देश इधर बोलते हैं उसको जानो इधर बोलते हैं जाना नहीं जाता ये श्रुति की कैसी बात है। जब बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और विदिता अभी नहीं जाने हुए वस्तु से भी ऊपर है वो नहीं जाने हुए नहीं है वो नहीं जाने हुए से भिन्न है जाने हुए से भिन्न मतलब क्या हुआ कि विषय रूप में नहीं जाना जाता परंतु अनुभव किया जाता है ये इसका विपरीत अर्थ है। इसे यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ मूर्तामूर्त ब्राह्मणे
प्रतिपादितम मूर्तामूर्त ब्राह्मण में प्रतिपादन किया गया। क्या किया प्रतिपादन? मूर्त अमूर्तादि प्रपंच रूपम, जितना मूर्त अमूर्त जितना प्रपंच वहाँ पे कहा गया है व्याख्यातम, जितना निंद होते उसको छुपा दिया गया, उसको अपवाद कर दिया गया है ना, उसको मतलब अपवाद कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। क्योंकि ऐसे निषेध कर दिया गया सर्वम अग्राह्य भावेना, ग्रहण करने जो को जितना पसंद है उससे भिन्न रूप में अग्राह्य भावेना हेतु ना, जितना ग्रहण करने जो को वस्तु अथवा जैसे ग्रहण किया जाता जा सकता है इससे बिल्कुल भिन्न रूप से उसके प्रतिपादन किया गया। सारा जितना ग्रहण करने जो को वस्तु उससे भिन्न है, इस प्रकार हेतु के द्वारा वन प्रकाशित हो गया है। अजम प्रकाश के जन्म रहित आत्मा प्रकाशित होते हैं, मतलब जिसमें कोई उत्पत्ति होना संभव नहीं है वो अभिन्न होते हैं। जब तक ये निषेध नहीं कर पाएंगे तब तक ये होना संभव नहीं है। जब तक इस शरीर में आत्मबुद्धि है, ये अहंकार है ना, परिचित अहंकार, ये सबसे बड़ा हमारे प्रतिबंध है, आत्मबुद्धि है सबसे बड़ा प्रतिबंध यही है। मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सारा आत्मज्ञान प्रतिबंध है। बाहरी जगत इतना प्रतिबंधक नहीं है जितना अंदर की जगत प्रतिबंधक बैठ गया है, अंदर की जगत। इसीलिए सर्व विषय सर्व अग्राह्य भावना, मतलब ग्रहण करने योग्य अग्राह्य, मतलब ग्रहण करने योग्य और अग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, इस रूप से भावना मतलब इस रूप से मतलब इस कारण इस रूप से सर्व में अजम प्रकाशित इस जन्म रहित अधिष्ठान तत्व प्रकाशित है। अब देखिए हम देख टीकाकार क्या बोल रहे हैं, इंद्रो अभी द्वैतम वस्तु न भवती, इस कारण से भी द्वैत प्रपंच है नहीं, द्वैत है ही नहीं। यदि आह उसको होता है शेष नेति नेति व्याख्यातम बिंदु लगे उदाहरण तक 3, 9, 26 है और तो मैं उदाहरण 3, 9, 26 कहाँ पे है वो आपका अशेष नेति नेति आत्मा, परंतु अथा तो आदेश नेति नेति यह 2, 3, 6 यह 2, 3, 6 अथा तो आदेश नेति आत्मा यह आपका 3, 9, 26 है ना, तो 3 बार आना 4 बार आया है कुल मिलाकर के, तो अभी सबसे पहले यही पाया हुआ। तो देखिए आप जो यहाँ पे ग्रंथ मत आनंद गिर ली वो मुक्ता मुक्त ब्राह्मण को लेकर दे भागवत इत्यादि ना व्याख्यातम मूर्ता मूर्तादि सर्वम एव त्यज्यम देवाव ब्रह्मणों रूपे, इस प्रकार से इत्यादि ना व्याख्यातम व्याख्या दिया गया है, मूर्ता मूर्तादि सर्व जितना मूर्त और अमूर्त का व्याख्यान दिया गया हो त्यज्यम वो मतलब वो त्याग करने जो अग्राह्यम वो ग्रहण तो मतलब आत्मा उसके द्वारा आत्मा द्वारा ग्रहण नहीं होता अग्राह्यम समझेंगे। नेति नेति इति भिक्षया, भिक्षा मतलब क्या होता है, भिक्षा व्याप्तुम इच्छा, भिक्षा व्याप्तुम इच्छा, भिक्षा प्रातिपदिक उसका तृतीय एक वचन करने की इच्छा, इस भाव के द्वारा ये दो बार निषेध बोला ना, नेति नेति है ना, दो बार निषेध मतलब जो भी कुछ स्थूल सूक्ष्म जो भी कुछ प्रपंच दिखाई दे रहा है सभी को निषेध करके विपक्षया सबको व्यक्त करने की इच्छा से दो बार निषेध किया। क्योंकि वहाँ पे दो बार आया ना मूर्तम च अमूर्तम च, मूर्तम के पूर्ण रूप से निषेध कर दिया जब तो निषेध थी श्रुति, क्योंकि सारा प्रपंच को ग्रहण करने जो द्वैत प्रपंच को श्रुति निषेध कर दिया, जब तो निषेध थी श्रुति क्योंकि श्रुति इसका निषेध कर दिया, अतः सी उपक्रम प्रतिपादित से इस प्रकार यहाँ के श्लोक के द्वारा प्रतिपादन सी उपक्रम प्रतिपादित आत्मतत्व कूटस्थ और विषय तेना प्रथम उपपत्ति हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा करके जो कहा गया है तो क्या अभिप्राय से उपक्रम प्रतिपादित प्रतिपादन किया जा रहा है इसका क्या है वो आत्मतत्व आत्मतत्व वार्ता कैसे कूटस्थ वो कूटस्थ प्रतिपादित आत्मतत्व प्रतिपादन करना चाहिए अविषय तेना अविषय मतलब वो कभी भी हमको विषय रूप में करते हैं जो भी ग्रहण व्यक्त वस्त्र मूर्ता मूर्त विषय रूप में ग्रहण हो जाए शब्द स्पर्श रूप स्पर्श तो विषय रूप में ग्रहण है और उस भिन्न ऐसे बोलते हैं अविषय तेना प्रथम उपपत्ति सबसे पहला युक्ति यही है कि और 3 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है ना कहा स
अविषय ठीक है। अब बोलते हैं तत्र एतत् शय इत्यादि वक्षमान भाष्यम अनुरोधी अग्रह भागेन इति अस्य अर्थम आह। तत्र एतत् शय इत्यादि वक्षमान भाष्यम, वक्षमान भाष्य मतलब क्या है, आगे बोला जा रहा है, फ्यूचर पार्टिसिपल आगे बोला जा रहा है जो भाष्य में। ये देखिए आप 171 पेज में मतलब 27 नंबर भाष्य के जो भाष्य शुरू हुआ उसका द्वितीय लाइन में राइट हैंड कॉर्नर में देखिए 171 पेज भाष्य की सेकेंड लाइन राइट हैंड कॉर्नर तत्र एतस्य सदा अग्रह्यमेव से असत्यम ठीक है। तत्र एवं मिला तत्र एवं शब्द यहाँ तक कि भाष्य के द्वारा भाष्यकार जो कहना चाहते हैं यहाँ तक कि भाष्य के द्वारा भाष्यकार जो कहना चाहते हैं उसको मन में रख के तत्र एतस्य इत्यादि वक्षमानं भाष्यम अनुरुद्ध आगे बोला जा रहा है जिस भाष्य को उस भाष्य के अनुमान में रख करके अग्राह्य भावना इति उसको मतलब इसका अग्राह्य रूप से मतलब पूर्ण करने जो प्रणी है आत्मा के स्वरूप से उसका कथन करते हैं। इसकी अर्थ भावी अर्थ कहते हैं और विषय है ना, आत्मा कभी विषय रूप में आप ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? विषय रूप में होगा तो आत्मा दृश्य हो जाएगा, विषय रूप में होगा आत्मा दृश्य हो जाएगा। नुकसान क्या हुआ, नुकसान क्या होगा आत्मा दृश्य हो जाने पर? संसार सिद्ध नहीं हो पाएगा, कोई दृष्टा नहीं रह जाएगा। यदि आत्मा जो दृष्टा है और यदि आत्मा ही दृष्टा विश्व बन जाए तब विश्व प्रपंच को सिद्ध ही नहीं कर पाओगे, संसार नहीं सिद्ध कर पाएंगे। कोई एक दृष्टा है सारा परिवर्तन को देखने वाला तभी जाता है कि संसार सिद्ध हो पाता है। इसलिए यदि कोई सोचता है कि आत्मा को विश्व बनाने विषय बना देंगे वो बना नहीं सकता कभी, तब आत्मा को विश्व हो गया तो विश्व को सिद्ध कौन करेगा? आत्मा विश्व है उसको कौन देखेगा? आप दो दृष्टा है नहीं नाम वास्तव एक ही दृष्टा है, दुष्ट दुष्ट कल्पना करेंगे दुष्ट दुष्ट दिखाई दे रहे होते तो अनावस्था दोष आ जाता है। इससे अनावस्था दोष आता है, इसीलिए हमें बोलते हैं कि अविषय तेन तत्र एक इत्यादि वक्षमान भाष्य मोहमिन माप करके रखने कहाँ का है, क्योंकि आगे वाला प्रश्न है ना इस भाष्य में तो नहीं है, इसलिए अगला प्रश्न है वर्ष 27 में महिष्पन्न में तत्र एतत्स्य इत्यादि वक्षमान भाष्यम अनुरुद्ध आगे बोला जा रहा जाएगा जो भाष्य को उस भाष्य को मन में रखते हुए अग्रह्य भावेन मतलब विषय रूप में कभी भी ग्रहण नहीं होता इति अस्य महत्व विषय स्पष्ट हो जाएगा। अविषय प्रथम उपपत्ति पहले उसे को युक्तिपूर्वक समझें नेति नेति इति भिक्षा तात्पर्य एक शब्द हो जैसे आप मान लीजिए कोई आ रहा है आइए आइए तो इस पर दो बार बोलने की क्या अभिप्राय है, वो दो बार आएगा क्या अभिप्राय क्या है बोलते आगत तो इसी प्रकार यहाँ पे दो बार बोला क्या नेति नेति यहाँ पे क्या है लेकिन जैसे ये अनादर दिखाने के लिए मतलब है ही नहीं वो अनादर दिखाने के लिए ये नहीं आइए आइए मतलब अतिथि अतिथि करके जब बोलते हैं तो आ जाओ नेति नेति अरे क्या कर करना जाओ 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 दो बार बोल दिया मतलब क्या है अनादर है इसे ही आप नेति नेति यदि भिक्षा तात्पर्य इस प्रकार दो बार निषेध करने की जो इच्छा मतलब भिक्षा मतलब इसको व्याप्त सबको व्याप्त करने की इच्छा है श्रुति की है ना, श्रुति को क्या है सबको व्याप्त करने की इच्छा है इसीलिए उस समस्त व्याप्त इच्छा का अभिप्राय का तात्पर्य को कहते हैं। इसको बोलते हैं दो बार बोलने का तात्पर्य क्या है सर्वम अग्रह्य भावेन हेतु जितना वस्तु संसार में दिखाई दे रहा है ग्राह्य रूप में दिखाई दे रहा है और सारा ग्राह्य वस्तु को निषेध करके क्या कहना चाहते हैं सिद्धि अग्रह्य भावेन है ना जिसको विषय रूप में नहीं ग्रहण किया जा सकते उस रूप से इसका ग्रहण होना है। हरी रूप बहुत अद्भुत दिखता है जिसको विषय रूप से नहीं ग्रहण किया जा सकता है उस रूप से ही इसका ग्रहण होता है उस रूप से ही अनुभव क्या अभिप्राय यही है। इसलिए बोलते हैं सर्व अग्रह्य भावेन हेतु न अजब प्रकाश फिर टीका में आ जाइए रूप द्वयो उपन्यास अनंतरम तन निषेधम अंतरेण
निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्ति अयोगा कमा करते हैं। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, दो रूप वहाँ पे दिखाया, क्या क्या दो रूप दिखाया, चार रूप में दिखाया होते हैं। तो बोलते हैं भाई रूप द्वय उपन्यास अनंतरम है ना, उसके साथ वहाँ पे यदि आप देखेंगे ना वहाँ पे तीन रंग को रहता है, महर जाना पांडव पांडव आश्रम आदि आदिकम पीला लाल इस प्रकार रंग के जो वासना पर रंग दिखा रहे हैं। ये मूर्ता मुक्त वस्तु को दिखा रहे हैं, जो शरीर के अंदर जो रस है वासनात्मक रस है, वासनात्मक रंग के रस के कारण ये सारा वस्तु को दिखाई देता है। यदि वो नाश हो जाएगा तो अर्थात आदेश छोटा सा काम है परंतु मुख्य रूप से तो बोलते हैं रूप द्वय उपन्यास अनंतर दोनों दो प्रकार के रूप लोग वहाँ पे पहले भूमिका रूप में ला करके चार नंबर टिप्पणी में अर्थात इत्यादि सूर्य है ना अर्थात आदेश ने भी दे दी भाषण में दिया है ना। अब उसके बाद उसके होते हैं अर्थात आदेश ने भी दे दी इस बोलते हैं रूप द्वय इसको स्पष्ट करना है यहाँ पे रूप द्वय उपन्यास अनंतर तद निषेध हम अंतरण दो रूपों को वहाँ पे अध्यारोप किया था उसको निषेध किए बिना निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्ति अयोगा निर्विशेष वस्तु का समझना संभव नहीं होने के कारण तब प्रतिपत्तिया पुरुषार्थ अगर नहीं समझ में आएगा तो नुकसान क्या है बोलते हैं कि तभी पुरुषार्थ कभी समाप्त नहीं होगा। यदि आपकी पूर्णता को आप नहीं समझ पाते हमेशा ही अपूर्ण रह जाएंगे तो ये चाहिए वो चाहिए करते ही रहोगे इसलिए पुरुषार्थ कभी समाप्त नहीं होगा है ना। तब अब तब प्रतिपत्ति अच्छा पुरुषार्थ पर समाप्ति यदि उसका प्रतिपत्ति नहीं होगा बोध नहीं होगा तब क्या हो जाएगा कभी पुरुषार्थ समाप्त नहीं होगा जिंदगी भर चाहत बना रहेगा। अगर उसको समझ गया तो प्रति उसकी बोध से क्या होता है समस्त पुरुषार्थ की मतलब परम पुरुषार्थ सिद्ध है पुरुषार्थ पर समाप्ति संभव ठीक है। आदेश अर्थात आदेश जब जब आदेश मतलब किसी कॉमेंट दिया जाए आदेश मतलब निर्विशेष आत्मतत्व उपदेश देखिए ठीक है ना आनंद गिरी जी पढ़ते हैं निर्विशेष आत्मतत्व का उपदेश को यहाँ पे आदेश शब्द देखा आदिश्यते अनेन इति आदेश निर्विशेष आत्मतत्व को जैसे समझाया जा सकता है उसी को यहाँ पे आदेश शब्द देखा कहा गया। इसे होता है निर्विशेष आत्मतत्व उपदेश स्थावत प्रस्तुयते उसके लिए जो उपदेश संभव है उसी को यहाँ पे रखा जाता है एवं प्रस्तुत इस प्रकार से वहाँ पे शुरू करके है ना एवं प्रस्तुत नेति नेति विपशया अथा तो आदेश नेति नेति इस प्रकार विपशा के द्वारा सबको व्यक्त करने की इच्छा रखने के द्वारा सर्वस्व प्रत्येक वस्तु की कौन सा वस्तु सर्वस्व मूर्ता मूर्तादि विशेषस्व मूर्त हो चाहे अमूर्त रूप में जो भी विशेष रूप दिखाई पड़ता है चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त उसमें विशेषता आ गया जहाँ कहीं खुद विशेषता दिखाई पड़ते हैं तो सबको निषेध करते हुए आत्मतत्व का बोले जब मूर्ता मूर्तादि विशेष आरोपित वो आरोपित है निषेध दर्शित उसका निषेध वहाँ पे दिखाया गया है ना सिद्ध है एवं प्रस्तुत नेति नेति विषया सर्वस्व मूर्ता मूर्तादि विशेष आरोपित सर्वस्व विशेषस्य आरोपित जितना आरोपित विशेष आत्मा के ऊपर निषेध दर्शित उसका निषेध दिखाया गया है तेना इस कारण से जो आत्मा जिज्ञासित जो जिज्ञासित आत्मा है ना अविशिष्ट निर्दिष्ट तो इससे क्या हुआ सिद्ध क्या हुआ इस कारण से क्या सिद्ध हुआ जो जानने जो आत्मा है वो आत्मा सारा विशेष से रहित है अविशेष निर्दिष्ट सारा विशेष से रहे ऐसा निर्देश किया समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है कि पंक्ति कैसे लगाया तेरह अब विषय वस्तु समझ में आएगा ना आपको तब पंक्ति उस हिसाब से आप शब्द अर्थ करता है
इस कारण से जो आत्मा जिज्ञासित देखिए जो आत्मा जानने योग्य है जानने की इच्छा करता जिज्ञासित अविशिष्ट निर्दिष्ट विशेष समस्त विशेष से रहित होकर के आत्मा को निर्दिष्ट करता है ना। समस्त यानी क्या हो गया, यदि आत्मा की लक्षण क्या है कि समस्त विशेषता जहाँ पर समाप्त हो जाती है, यही एक लक्षण है निर्विशेष की उसका विशेषता है ना, यही उसका विशेषता विशिष्ट निर्दिष्ट है इसका भी सच सचेत सचेत एवं मूर्ता मूर्त अधिकारे प्रतिपादित तरी किम इति प्रदेशांतरे पुनः पुनरेव प्रतिपादते है ना। अच्छा यदि आपको उसको मूर्ता मुक्त ब्राह्मण में उसका अधिकार दिया चेत एवं मूर्ता मुक्त अधिकारे प्रतिपादित इस प्रकार आत्मदत्त को यदि मूर्ता मुक्त ब्राह्मण में प्रतिपादन करके दिखाया गया है तरी किम इति प्रदेशांतरे पुनः पुनरेव प्रतिपादित फिर बार बार इसको एक जगह पे नहीं फिर आपका मैत्री ब्राह्मण में फिर मधु ब्राह्मण में फिर व्याप्त वहाँ पे जाए आपका जो है ना इसके अंतर्यामी शूद्र आत्मा अक्षर ब्राह्मण ये सब इसको प्रतिपादन किया फिर योगि ब्राह्मण फिर शरीर ब्राह्मण ये बार बार इसको भी प्रतिपादन कर एक बार जब बोल दिया इतने बोल था सचे एवं मुक्ता मुक्त अधिकार मुक्ता मुक्त ब्राह्मण को अधिकार में ला करके प्रतिपादित आत्मा को निर्विशेष रूप में प्रतिपादन कर दिया गया तरी किमित प्रदेशांतर पुनः पुण्य को प्रतिपादन जब भी दुष्ट स्थान में क्यों बार बार उसको प्रतिपादन किया जाता है पुण्य रोकते उसको तो पुनरोक्ति दोष होता है यदि आशंक व्याख्या का इत्यादि व्याख्या जहाँ कहीं भी इसका व्याख्यान किया गया है उसको निषेध करके प्रतिपादन करता है व्याख्या का इत्यादि व्याख्या। अब मूल में आइए भाष्य में आइए मैंने वहाँ पे जो सर्व सर्व विशेष प्रतिषेधे न भाष्य में है ना समस्त विशेष के निषेध के माध्यम से श्रुति क्या कहते अथ अथवा देश नेति नेति अथ मतलब इस प्रकार पूरा सृष्टि अपने प्रपंच को दिखा करके अथ उस आत्मतत्व को समझाने सृष्टि को समझाने के बाद आत्मतत्व को समझने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है क्या उपाय निषेध जो भी कुछ दिखा इसका निषेध अर्थात आदेश देंगे न अन्य परमस्ति इससे असात्मतत्व को समझने के लिए इससे अच्छा कुछ भी उपदेश नहीं हो सकता क्योंकि अपने आप बोलते हैं उस आत्मतत्व को समझने के लिए इससे कोई अच्छा उपदेश नहीं हो सकता है ना। अनात्म परमस्ति इससे अच्छा उपदेश नहीं हो सकता प्रतिपादित आत्मन इस प्रकार जिस आत्मा को प्रतिपादन किया गया उस आत्मा का प्रतिपादित आत्मन दुर्बोधत्तम मन्नमाना है ना इस आत्मा को समझना समझना कठिन है। फिर भगवान श्री कृष्ण कितना बार बोलते हैं वहाँ न जायते अजोनित शस्त्र अग्रह कितने प्रकार से बोलते हैं देखिए अद्दाई जो बोल के नहीं नम धाम दीपा नयंती आप इस प्रकार इस प्रकार एक बार बोला फिर दोबारा बोलते हैं इसको क्यों क्यों दुर्गम नहीं है उसको समझना थोड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रतिपादित आत्मन दुर्बोधत्तम वर्तमाना प्रतिपादन करना चाहता है जिस आत्मा का उस आत्मा दुर्बोध है इस प्रकार मानती हुई श्रुति मान रही है श्रुति पुनः पुनः उपायांतरेण बार बार ये भिन्न भिन्न उपाय से उपायांतरेण तस् एवं प्रतिपादक विषय उस आत्मतत्व की प्रतिपादन करने की इच्छा से जब जब व्याख्यात किसी भी जगह पे देख लो जहाँ जहाँ जिस प्रकार से व्याख्या किया गया तब सर्वम निन होते वो सबको जब भी निषेध कर देते सबको निषेध कर देते जब जब व्याख्यात तब तक सर्वम निन होते सबको निषेध कर देते फिर जब ग्राह्यम मतलब ग्रहण करने योग्य भाष्य में परिगत जनिमत मतलब जो भी कोई वस्तु उत्पन्न हुआ वो वस्तु ग्राह्य होता है बुद्धि विषय जो बुद्धि का विषय बनता है अपदपति उसको निषेध है ना। अर्थात तो आदेश व्यतिरिक्त अभिप्राय क्या है जो ग्रहण करने योग्य वस्तु मतलब बुद्धि जिसको ग्रहण कर सकती है और जो जनिमत है जो पैदा हुआ जिस प्रकार जन्म लेने वाला ग्रहण करने योग्य बुद्धि का विषय जो भी कोई वस्तु होता है उसको अपदपति उसका निषेध कर देते अर्थात नेति आत्मन सकर्म आर्थिक अर्थ से अर्थात मतलब अर्थापत्ति टिप्पणी का क्या लिख रहे अर्थापत्ति अर्थापत्ति प्रमाण क्या होता है कुछ देख करके और कुछ और युक्तिपूर्वक निर्णय करना है ना। ये व्यक्ति दुबला होता जा रहा है मतलब ये खाना नहीं खाता होगा अथवा शरीर में कोई बीमारी ऐसा
और कोई व्यक्ति बिना खाए विष्ट कुछ करता है तो अपने को खाता है। ये जो कुछ देखा कुछ उसके बाद विचार करके कुछ निर्णय किया उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। यहाँ के बोल टिप्पणी का लिख दिया अर्थापत्ति के मतलब यदि दृश्य वर्ग को निषेध कर रहे हैं, जो दृश्य वर्ग को निषेध कर रहे हैं तो दृश्य वर्ग से अवस्तुत्व बिना निषेध अनुभव अन्नम अर्थापत्ति क्या कहेंगे हम। विश्व वर्गस्य अवस्तुत्वम बिना ये पारमार्थिक नहीं होने से यदि पारमार्थिक होता तो निषेध नहीं करती। अवस्तुत्वम बिना ये अवस्थु नहीं होता तो उसका निषेध भी नहीं हो जाती, यानी कि अवस्थु ऐसे निषेध हो रहा है। विश्व वर्गस्य अवस्तुत्वम बिना निषेधम अनुभवन्नम दृश्य वर्गस्य अवस्तुत्वम बिना निषेधम अनुभवन्नम भी अर्थापत्ति प्रमाण है। दृश्य वर्ग को यदि वो जो है मतलब अवस्तु नहीं होता तब उसका निषेध भी नहीं होता, तो अवस्तु है इसीलिए उसका निषेध होता। इसलिए हम बोलते हैं कि रात्रि भोजन बिना पिनत्तम अनुभवन्नम है ना, रात्रि भोजन बिना पिनत्तम अनुभवन्नम, रात में खाए बिना जो है मोटापा स्वस्थता सही दिखा भोजन हो नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से अवस्तुत्तम बिना निषेधम अनुभवन्नम दृश्य वर्ग अवस्तुत्तम बिना निषेधम अनुभवन्नम ये बोल रहे हैं। दो नंबर टिप्पणी अर्थापत्ति प्रबंध ऐसे नहीं दी मतलब विश्व प्रबंध जो हमने कहा ये कोई पारमार्थिक वस्तु है इसलिए इसको निषेध करते हैं। आत्मन अदृश्यनाम दर्शयन्ति स्तुति क्या लिखा, जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो पारमार्थिक नहीं है, अब जो नहीं दिखाई दे रहा है वो पारमार्थिक है। हम देखिए अदृश्यनाम मतलब इसमें विषय होने की योग्यता नहीं है। दर्शयन्ती ये देखिए तो पार्टिसिपेट है श्रुति की विशेषण है दिखलाती हुई श्रुति देख अगर दिख लगा हुआ दर्शय दिखाना और देखना और दिखाना देखना और दर्शयन और पश्यत यदि देखना हो तो पश्यत पश्यन 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 तो पश्यन इस प्रकार ग्रंथ है और दिखलाना होता है पॉजिटिव फॉर्म में आता है तो वहाँ पे दर्शयंती दिखलाती हुई दिखलाती हुई श्रुति श्रुति का विशेषण है ना। क्या दिख रहे थे आत्मा में दृश्यत्व धर्म नहीं है, आत्मा में दृश्यत्व धर्म नहीं है ऐसा दिखाती हुई श्रुति सत्य की मान्यता क्या करेंगे दृश्यता अदृश्यता दर्शयती श्रुति आत्मन इसमें आत्मन इस प्रकार से अदृश्यता दर्शयती श्रुति ध्यान इसको आत्मा में अदृश्यता को दिख मतलब विषय राहित्य विषय रूप इसको दिखलाती हुई श्रुति उपायस्य उपेय निष्ठता अजानते इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको ध्यान देना है। उपायस्य उपेय निष्ठतम निष्ठतम अजानते कोई भी उपाय हम अपनाते हैं ना वो उपाय में हमारा तात्पर्य नहीं होता है, हम उपेय वस्तु में तात्पर्य होते हैं। उपाय जो है उपेय निष्ठ होता है क्योंकि सभी भाषा में वस्तु को समझाने के लिए अल्फाबेट को अपनाया गया है ए बी सी डी तो ए बी सी डी सिखाते हैं जब कोई बच्चे को तो केवल उतना ही मात्र हमारा अभिप्राय रहता है क्या इसके द्वारा बने हुए शब्दों के अर्थ को उसके व्यवहार करने के लिए यदि एक उपाय को अपनाया गया है उपाय क्या उपाय निष्ठ है समझ में आता है। हर चीज जब वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट कि कोई भी देखिए आपका रेखा रेखा के द्वारा आपको अंक समझ में आता है एक शून्य आपको बता दे जाए परंतु उस रेखा में हमारा तात्पर्य नहीं है, अलग 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 भाषा में अलग अलग प्रकार के शब्द प्रयोग होता है लिखने का शैली मतलब लिपि अलग अलग है। चाहे जल को हम जल बोले आप पानी बोलो कोई तोये बोले कोई नील बोले कोई दन्नी बोले कुछ भी बोले अलग अलग भाषा में परंतु देखो वो अक्षर अलग अलग होते हुए बोल एक ही वस्तु का होता है तो उपाय जो है उपाय निष्ठ होता है। उपाय समझ उपाय उपाय निष्ठ होता है ये देखो बोल का क्या था पहले उपाय अवतार आय नास्ति भेदो का चिंतन हमारा उपाय क्या था उपाय निष्ठ होता है। उपाय मतलब जिसको हम बोध करना चाहते हैं उसके उसमें निष्ठा रखते हैं उपाय में हमारा महत्व नहीं है। ये जो चीज नहीं इस जगह स्किप कर जाते हैं लोग हर जगह हमको स्पष्ट करके समझाए जो भी कुछ छोटे बच्चे को समझाने के लिए ए बी सी डी सिखाने के लिए बच्चे माता पिता क्या करते हैं बॉल में ए बी सी डी वाला खेलने में ए बी सी डी वाला ला देते हैं तो उसको खेलने में तात्पर्य नहीं है ए बी सी डी सिखाना तात्पर्य है। उपाय क्या होता है उपाय निष्ठ हो यहाँ भी श्रुति माता हमारी हम जैसा बच्चों को
उस निर्विशेष तत्व को बोध कराने के लिए उपाय को अपने, क्योंकि उपाय उपाय निष्ठ है आत्मा को बोध कराने के लिए, है ना। इसलिए अपने बोलते हैं श्रुति ही उपाय, भगवान भाष्य का दो बार ब्रह्म सूत्र में भी आया हुआ है, रेखा लेकर के शंखा लेकर, अलग अलग भाषा में अलग अलग रेखा है, और रेखा को बोध कराना हमारा अभिप्राय नहीं है। हमारा अभिप्राय किसी भी भाषा में देखिए, आपका गणित 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9 ये सिखाया गया है, केवल इतना मात्र में हमारा अभिप्राय है क्या? सारा भी सारा गणित इसके ऊपर टिका हुआ है। कोई भी उपाय होता है उपेनिष्ठ होता है, उपेनिष्ठ होता है। इसलिए बोलता है श्रुति ही उपायस्य श्रुति दर्शयति श्रुति, अलग करके वहाँ पे उपायस्य उपेनिष्ठता, ये ध्यान रखना। ये हमारा ये बिल्कुल एक ये वाक्य है, जैसा महावाक्य जैसा है, हमेशा एक ध्यान रखना। उपाय कोई भी हम अपनाते हैं तो उपेनिष्ठ हो, उपेनिष्ठ होता है। देखो एक नंबर टिप्पणी बोलते हैं उपेय इति, उपेय तात्पर्य न बोधितव्यम तत्निष्ठ, तात्पर्य से हम उपेय को बोध कराना चाहते हैं यही उसका निष्ठा हो गया। बोला उपेय तात्पर्य न बोधित, उपेय को तात्पर्य उनमें उपेय को ही दिखाना है हमको, इसलिए बोलते हैं उपेनिष्ठता। ब्रह्मसूत्र भाषण में दो दिन पर आएगी तो यहाँ पे बोलते हैं कि उपेनिष्ठता, इसको जो नहीं जानता अजानतः, नहीं जानने वाले का वो उपाय नहीं सत्यप्त बुद्धि। यहाँ प्रश्न उठा था बार बार श्रुति एक चीज को क्यों दो तीन बार बोलती है, इसलिए बोलती है ये उपाय उपेनिष्ठ होता है, ये नहीं जानने वाले व्यक्ति वो उपाय को सत्य मान लेगा। उपाय उपेनिष्ठ होता है, ये नहीं जानने वाले व्यक्ति क्या सोचेगा उपाय ही सत्य है, इसको निषेध करने के लिए बार बार श्रुति निषेध करता है। इसलिए उपाय निष्ठता अजानत, उपायस्य उपेनिष्ठता अजानत, उपाय उपायत्वेन व्याख्यातस्य उपयव ग्राह्यता माभु, उपाय के रूप में व्याख्यान किया गया है जो सृष्टि को, यानी कि सृष्टि को उपाय के रूप में अपनाया गया है उपयव आत्मा को बोध कराने के लिए। अब ये जब तक किसी को समझ में नहीं आएगा वो क्या सोचेगा उपाय ही आत्मा की तरह, उपय की तरह उपाय भी सत्य है, उपय की तरह उपाय भी सत्य है। इसी यहाँ पे बोलते हैं तो उपाय उपायत्वेन व्याख्यातस्य, उपाय के रूप में व्याख्या किया गया इसको, वो उपयोग उपयोग मतलब जिसमें हमारा तात्पर्य है उस उपयोग प्रायता वो तो उपयोग तरह सत्य है। माभूत ऐसा अजानत नहीं जानने वाले का ऐसा बोध उत्पन्न ना हो जाए, इति अग्रह्य भावेन हेतुन कारणेन निर्भूते मतलब। इसलिए वो ये जो भी कुछ जिसको हमको दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से हम समझा रहे हैं, तो इसीलिए जिसको हम समझाना चाहते हैं उसकी तरह ये नहीं मतलब ये वस्तु उतने सत्य होगा नहीं नहीं, क्योंकि उपाय क्या होता है, उपाय उपयोगिष्ट होता है, उपयोग में जो सत्यता है उपाय में वो सत्यता नहीं है, है ना। इसीलिए आप बोलते हैं कि अग्रह्य भावेन हेतुन मतलब कारण है ना, ये सारा वस्तु जो भी जगत में दिखाई दे रहा है ये ग्राह्य रूप है, चाहे वो इंद्रिय मतलब शुद्ध मतलब आपका दर्शन इंद्रिय ग्राही हो, चाहे श्रवण इंद्रिय ग्राही हो, चाहे स्पर्श इंद्रिय ग्राही हो। मैं श्रवण इंद्रिय ग्राही हो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्वर्ग आदि ब्रह्म लोक आदि जो भी कुछ है श्रवण इंद्रिय ग्राही है, अदृष्ट विषय है, आपको दृष्ट प्रपंच है, सारा जो है ग्राह्य रूप में कहा गया ये आत्मा इस रूप में नहीं, यानी कि इसी ध्यान रखना मशीन से भी जो आत्मा को प्रतिपादन किया जाता है कि यदि आपको शब्द मात्र ज्ञान से यदि आप समझे ये नहीं है शब्द ज्ञान से उसका तात्पर्य में जब ज्ञान हो सकता है, इसलिए अग्राह्य भावेन हेतुन कारणेन निर्भूते इसको निषेध कर दिया जाता है। तदस्य एवं उपायस्य उपेयनिष्ठताम् एव जानत, और इसके विपरीत जो उपाय उपेयनिष्ठ होता है इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति का, एक हो गया नहीं जानने वाले व्यक्ति है वो उपाय और उपेय दोनों को समान सत्य मान लेता है, और जो उपाय सत्य मतलब उपाय उपाय हमने अपने यहाँ उपाय को बोध कराने के लिए उपाय उपयोगिष्ट होता है, उपाय मतलब मीन्स और उपाय मतलब गोल, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लक्ष्य को मुख्य रूप से हमने बताया उपाय तो इस माध्यम से उपाय और उपाय उसमें समान तात्पर्य नहीं है, इसको बोलते हैं कि ततश्च एव उपायस्य उपयनिष्ठता एव जानत, इसके फलस्वरूप जो लोग उपाय उपेयनिष्ठ होते हैं इस प्रकार जानते हैं उन लोगों का एक अजानत एक जानत, उपयस्य च नित्य एक रूप है, उसको ज्ञान को जानता है उपेय नित्य एक रूप है और उपाय अलग अलग है,
एक बच्चे को पहले आप एक वन टू सिखाने के लिए फिर क्या करते हैं, पहले तो सामने दिखा फिर उंगली में सिखाते हैं, अलग अलग उपाय है। परंतु तो उंगली में गिरना ये क्या थोड़ी है कि उपाय आपको वन टू का बहुत दिमाग में जाना है। उसके लिए जो है कभी एक सामान सामने रख करके, कभी ट्रॉफी बिस्कुट ले करके, एक बच्चे को मैं छोड़ चुका था, दो भाई था। एक दिन मैंने बोला कि मान लो मैं ले गया था उसके लिए, मान लो मैं तुमको 5 बिस्कुट दिया तो अच्छा 3 तुम खाओगे तो तुम्हारा भैया को कितना दोगे। छोटा बच्चा क्या बोलता है, बोलता मानूंगा नहीं पहले दो, मानूंगा नहीं पहले दो। तो यही है कि हमारा तो उपाय में हमारा तात्पर्य नहीं था, हमारा उपयोग में तात्पर्य था, उपाय उपयोग नहीं हो पाया, हमको देना पड़ा। तब बोलता है फिर अपने पास रख लिया, तो भैया उपाय उपयोग नहीं हो पाया। इसलिए जो इसको समझ जाता है तो उसको जानते हैं कि ये पारमार्थिक नहीं, ये सच ये झूठ है, उसका बोध हो गया। 2 शंका क्या होता है, 3 शंका क्या होता है, बोध हो गया उसका। इसीलिए तथ्य एवं उपाय से उपनिष्ठता में जानत उपेय च नित्य एक रूपत्मिति, जो उपेय होता है तो नित्य है एक रूपये तस् उसी को स्वाह्य अभ्यंतरम अजमात्म तत्व प्रकाशक है ना, वो जो अध शब्द बात तथा चतुर्थ बात बोलता अजम प्रकाशक, इस प्रकार से वो उपेय ही प्रकाशित होता है, उपाय के माध्यम से उपास उपेय प्रकाशित तस् उपेय तस्य उपेय स्वपिशुते पर स्वाह्य अभ्यंतरम अजो अंतर्भार हर तरह को व्याप्त करके जन्म रही तत्व विद्यमान है। देखिए इन शब्दों के देखिए बड़ी मजे की बात है, बाह्य अभ्यंतर किसी को सापेक्ष में बोलेंगे ना, इस कमरे की सापेक्ष में बाहर इसको अंदर भी बोलेंगे, तो बाह्य और अंदर बोलने के लिए आप किसी वस्तु को मान्यता दे करके बोल रहे हैं और इधर इसको बोल रहे हैं जन्म कुछ उत्पत्ति हुआ ही नहीं। ये एक उपाय है, मतलब सारे जगह पे व्याप्त किया हुआ एक तत्व से बच्चे सब बाह्य अभ्यंतर अजम आत्म तत्व को बाहर अभ्यंतर में व्याप्त किया जाए आत्म तत्व प्रकाशक है स्वयं, इसको निषेध कर देने पर आत्मा स्वयं प्रकाश अपने आप प्रकाशित हो जाए, आत्मात्मा प्रकाशित हो जाए। ये इस शुक्रवार को भी ध्यान रखना, हर जगह देखा मैं अपने शुक्रवार को शुरू करते उपाय से जो है उपाय से उपय निष्ठत्व। अब आज लिखते टीका, टीका हम यहाँ तक कर लेते हैं। सचेत एवं मूर्तामूर्त अधिकार प्रतिपादित तरीके विधि प्रदेशांतर पुनः पुनः प्रतिपादित करते पुनरुद्धे पुनरुद्ध दोष होता है, यदि आशंका व्याख्या न मिलता कि व्याकृष्ट के प्रतिपादित का समाचार है। इसके ऊपर देखिए 5 नंबर 6 नंबर टिप्पणी है, ठीक है। 5 नंबर कहाँ पे है, एवं निर्विशेषण इति अर्थ है ना, तो आत्मा क्या है निर्विशेष, निर्विशेष उसका विशेष होता है, मतलब विशेष अधिष्ठान रखते है ना, निषेध का एक अधिष्ठान चाहिए उस रूप में, अथवा बाध अवधि बाध का अवधि के रूप में जो निषेध करता है वही मेरा, हम सब निषेध कर सकते हैं परंतु तो आपने को निषेध नहीं कर सकते, ये होगा बाध का अवधि अथवा निषेध की अधिष्ठान। देखिए बाध का अवधि निषेध का अधिष्ठान वो निर्विशेष है और निषेध तो विशेष को किया जाता है, फिर आपका ज्योतिर्म फिर कुर्च ब्राह्मण में, कुर्च ब्राह्मण में फिर ज्योति ब्राह्मण में शारी ब्राह्मण में आया हुआ है, यही सब बता दो। सय शनि दिने की आत्मा क्रिय नहीं क्रियत, अश्रिय नहीं श्रीय, अव्यर्थ नहीं व्यर्थ, इस प्रकार से न ऋष्यते, इस प्रकार मन को जो अन्य जगह भी प्रतिपादन किया साकल्य आदि ब्राह्मण ने, क्यों क्योंकि ये दुर्भिज्ञ है, ये अनेक अनेक प्रकार को अपना एक बच्चा मतलब माता पिता छोटा बच्चे को चलना सिखाने के लिए क्या क्या नहीं ला देते हैं, कभी ऐसा हाथ पकड़ के हटाते हैं, फिर एक साइकिल दे देते हैं, फिर एक बच्चे को कदम पकड़ कर दीवार पकड़ कर चलना सीखते हैं, उपाय है ये कई अलग अलग उपाय से बच्चे को चलना सिखाना है, बच्चे को थोड़ा शब्द सिखाना है ना, अपने आप को अल्फाबेट को सिखाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वो बोलना और शब्दों की अर्थ समझ में आ गए, ये है उपाय। इसलिए प्रदेशांतर में ये भी कथन हो गया,
अप्रतिपादितस्य आत्मना दुर्बोधत्वं प्रतिपादन किया जा रहा है कि आत्मा का दुर्बोधत्वं मन माना उसको समझना बहुत कठिन है। इसको मानती हुई स्थिति पुनः पुनः उपायांतर तेन बार बार अलग अलग उपाय का अवलंबन करके कहीं जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहीं पंचकोश विवेक कहीं पे ज्योति रूप में अलग अलग प्रकाश कहीं शरीर रूप में दिखा करके यहाँ स्थिति प्रति आत्मतत्व को प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपादित आत्मतत्व ठीक बोला मूर्तामूर्त ब्राह्मण है मतलब अजात शत्रु ब्राह्मण से मूर्तामूर्ति का एक ही किया उसमें आत्मतत्व को प्रतिपादन किया गया तथापि तस्य परम सूक्ष्मत्व आत्मवस्तु विषय रूप में ग्रहण नहीं होता इसलिए अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसको समझना कठिन पड़ता है। ये श्रुति मानती है मन्यते श्रुति श्रुति समझती है इसलिए यद्यपि मूर्तामूर्त प्रकरण प्रतिपादित आत्मतत्व तथापि तस्य परम सूक्ष्मत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दुर्ज्ञानत्व मन्यते श्रुति जानना कठिन है श्रुति मानती है इसलिए सात उपाय विशेष सद्भाव अभिप्रायण तस्य इसलिए उनको तो समझाना है इसलिए शास्त्रुति पुनर्श्रुति पुनर्उपाय विशेष सद्भाव अभिप्राय को दूसरा उपाय भी हमको समझाना पड़ेगा किसी तरह से बच्चे का हमको चलना सिखाना है किसी तरह से बच्चे का हमको इंग्लिश भी सिखाना है ठीक है ना। तो माँ बाप कितने प्रकार से कोशिश करते हैं इसी वजह से करम करुणा मैंने सूर्य माता जी हमारे लिए इसका पूर्व संदर्शन के लिए इधर उधर से ये ला करके समझाते हैं सा पुनः उपाय विशेष सद्भाव अभिप्राय न तस्व पुनः पुनः प्रतिपादन उस आत्मतत्व का ही बार बार प्रतिपादन करने की इच्छा से जब जब आरोपित जो जो वस्तु उसने आरोप किया था बच्चा जब धीरे धीरे चलने से चलना सीख जाता है तो धीरे से माँ क्या करता है साइकिल तो उसको हटा लेते हैं देखते क्या करते हैं है कि नहीं तब से हटा देते हैं उसको देखते आत्मदर्शन में ये प्रक्रिया हमारे ये वेदांत तो अनुभव कर सकते हैं हमारे जीवन में कैसे अप्लीकेबल होता है इसीलिए बोलते हैं कि कस्य व पुनः पुनः प्रतिपादन इच्छा जब जब आरोपित जो जो वस्तु का हमने आरोप किया था तब तक अशेषम वो पूरा के पूरा कुछ भी नहीं बचा वो नॉट लिविंग इन रिमाइंडर अशेषम अपनोय अपनृत्य उसको निषेध करके अपनृत्य उसको निषेध करके अविशिष्टम आत्मस्वरूप निवेदयति है ना वो विशेष निर्विशेष आत्मतत्व को वहाँ पर प्रतिपादन कर देती है सूर्य अविशिष्ट आत्मस्वरूप निवेदयति इति अर्थ सा पुनरुपाय विशेष सद्भाव अभिप्रायेण तस्य भिन्न 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 उपाय के साथ माध्यम लेकर के उसी आत्मतत्व पर बार बार प्रतिपादन करने की इच्छा से जब जब आरोपित जो जो वस्तु का आरोप किया था तब तक अशेष अपनित्य उस समस्त वस्तु का निराकरण करके अविशिष्ट आत्मस्वरूप निवेदयति निर्विशेष आत्मतत्व को प्रतिपादन कर देती है निवेदन करते हैं हमारे लिए सर्वम इत्यादि स्पष्टीपूर्वक ऊपर है ना सर्वम अभिप्राय भावे ना उसी को स्पष्ट सर्वम इत्यादि स्पष्टीपूर्वक स्वेश उसका व्याख्या करते हैं यहाँ पे सात नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं कि स्पष्टीपूर्वक सर्वम इत्यादि स्पष्टीपूर्वक सात नंबर मतलब यहाँ पे पूर्वान पूर्वान क्या हो गया सानस व है ना सानस हुआ यहाँ पे तो वर्तमान सामिप्य लट लट लकर का प्रयोग करके सत्य सानस लटत्व में होता है परंतु अभी तो करेगी आगे अभी तो किया नहीं तो इसलिए वर्तमान सामिप्य लट लट लकर वहाँ भी प्रयोग होता है मतलब जस्ट नियर फ्यूचर के लिए भी वर्तमान काल को प्रयोग कर देते हैं होना चाहिए था करिष्यमान ही अर्थ फ्यूचर का डिपेंड होना चाहिए था परंतु बोलवा ना कर दिया है ना प्रतिपादन करती है मतलब वर्तमान सामिप्य भी लट प्रयोग होता है जो भी वस्तु पैदा हो सामने विषय रूप में दिखाई पड़ता है जो बुद्धि का विषय उसको श्रुति निषेध कर देती है ना अर्थात मतलब अर्था प्रति को मान के यदि ये अवस्तु नहीं होता तो श्रुति ये निषेध नहीं करती होता स एष इत्याद्या श्रुति अदृश्यता आत्मनो
विशेष निषेध मुखेन दर्शयन्ति, ठीक है ना। स एष नेति नेति अथ आदेश नेति नेति तब स एष नेति नेति, इस प्रकार वाक्य के द्वारा स एष ये अथा तो आदेश नेति नेति ये मुक्तामुक्त ब्राह्मण है, स एष नेति नेति ये साकल्य ब्राह्मण है, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पे बोलते हैं कि स एष इत्यादि श्रुति, स एष इत्यादि श्रुति अदृश्यता आत्मन, मतलब विषय रूप में हमारे सामने कभी नहीं आ सकते इस आत्मा का, विशेष निषेध मुखे न विशेष को निषेध के माध्यम बना करके दर्शयंती श्रुति दिखलाती हुई श्रुति। जब दृश्यम कार्यम मनुष्य वाचा च गोचरी भूतम, है ना, जो दृश्य रूप दृश्यात्मक प्रपंच कार्य रूप में दिखाई पड़ता है, जो मन का वाणी का विषय रूप होते हैं, मनसा मनसाम वाचाम च गोचर मनो का और फिर वाचा वाणी का भी अनेक प्रकार से गोचरी भूतम तब अशेषम अर्थात अपलब्धि, इसको जो है वो निषेध करना चाहती, पारमार्थिकता नहीं है ये कहना चाहती, अर्थात अपलब्धि आर्थिक रूप से इसका निषेध करना चाहते, पारमार्थिकता नहीं है ये कहना चाहती। सा ही परमात्म वस्तु अदृश्यमिति ब्रुवाना सांस्कृति, है ना, सांस्कृति ही परमार्थ वस्तु अदृश्यम, जो पारमार्थिक शब्द वस्तु है वो दृश्य कोटि में नहीं आता, इति ब्रुवाना ऐसा बोलती हुई दृश्यस्व वस्तु के न उपबद्धते, क्योंकि अब वहाँ आपके साथ एक साथ लिखा हुआ है दृश्यस्व वस्तु न उपबद्धते अथवा दृश्यस्व वस्तु न उपबद्धते, एक साथ लिखा, मतलब अर्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दृश्यस्व यदि सप्तमी अंत और तृतीय अंत वस्तु तो अलग अर्थ होगा, वस्तु न उपबद्ध तब जाके दृश्य वस्तु दृश्य में यदि वस्तु पारमार्थिकता होगा तब उसको निषेध करना युक्ति संगत नहीं होता, न उपबद्धते दृश्य यदि पारमार्थिक होते तब उसको निषेध करना युक्ति संगत नहीं होता, ठीक है। इसलिए बोलते हैं सांस्कृति परमार्थ वस्तु अदृश्यमिति ब्रुवाना, जो पारमार्थिक शब्द वस्तु है वो कहता है कि वो अदृश्य है, इस प्रकार बोलती है श्रुति दृश्य दृश्य जो वस्तु न उपबद्धते, दृश्य यदि पारमार्थिक होता तब इस प्रकार निषेध करना युक्ति संगत नहीं होता, तथा च अनुपबद्धे इस प्रकार से युक्ति होने के कारण दृश्य वर्ग से अवस्तित्व चिंतन यदि अर्थ, इसलिए दृश्य वर्ग पारमार्थिक नहीं है ये सिद्ध होता, विश्व वर्ग से अवस्तुत्व सिद्धम कल मनुष्य है, कल अमावस्य पशु दूसरे दिन प्रतिपद तो दो दिन पशु की बिना, तो कल और परसों दो दिन अवकाश होगा, कल अमावस्य पशु प्रतिपद है, कल अमरनाथ के कार्य शुरू होगा, आज जो है कौन सा होगा, आज तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला ठीक है ना, जब प्रज्ञान आकाश प्रतिहत्य गम शांत मोहांधकारो मच्छो मच्छो भोरे शत्रु उपजनो नन्दति प्राशमेमि यत् पादवाश्रितानां श्रुतिशमनय प्राप्य मोहा तत्पादौ पावनीयौ Oh.